काबीना का इजलास हो या कोई तकरीब, उसकी शुरुआत तिलावत कुरान मजीद से होती है। इजलास की सदारत वजीर आजम यूसुफ रजा गीलानी कर रहे थे। तिलावत करने की जिम्मेदारी वजीर दाखिला रहमान मलिक को दी गई, मगर वो सूरह इखलास न पढ़ सके। तीन कोशिशों के बाद रहमान मलिक ने वजीर कानून बाबर आवान से रुजू किया तो इंकशाफ हुआ कि गलती उस प्रिंट में थी जो उन्हें पढ़ने के लिए दिया गया था। इस वाकये की फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। इसके साथ साथ इस बात की भी तहकीकात की जाएगी कि ये कोई गलती थी या कोई साजिश। काबीना का इजलास वफाकी वजीर मखदूम शहाब की तिलावत के बाद शुरू हुआ।